वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अग्निपथ स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके पर्क्स, सैलरी और बाकी सब डिटेल्स भी आपको दी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अग्निपथ स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए, भारत देश के लिए, हम सबके लिए। जैसे अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड हमारे क्या कंसर्न्स हैं और आगे का रास्ता इस स्कीम में क्या होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो ये अग्निपथ स्कीम जिसके चलते हम भारत के नौजवानों को 17 से 21 साल तक के लोगों को इंडियन आर्मी में भर्ती कर सकते हैं, इसके भारत देश को क्या फायदे हैं? पहला कि एकजुट होकर युवाओं के लिए ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा, भारत देश सिर्फ तरक्की की ओर चलेगा क्योंकि ये 4 साल इन युवाओं को एम्पावर करेंगे, डिसिप्लिन्ड बनाएंगे और स्किल्ड बनाएंगे। और तीसरा, ये बिल हमारे नागरिक समाज में रक्षा पेंशन बिल यानी डिफेंस पेंशन बिल को कम करेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अग्निपथ स्कीम से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला तो हमारी आर्मी में जवानों की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी और आर्मी में भर जाएंगे एनर्जेटिक, विविध जगहों से आने वाले फिट युवा शक्ति के रूप में ये नौजवान। अब जिसका आप सबको इंतजार था कि आप जैसे नौजवानों को अग्निपथ स्कीम का क्या फायदा होने वाला है। पहला, इंडिया के डिफेंस फोर्स में नौकरी का मौका। दूसरा, मिलिट्री मोटिवेशन, डिसिप्लिन और स्किल सीखने का मौका। तीसरा, गुड फाइनेंशियल पैकेज। और चौथा, समाज के बीच आपका हौसला बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, तो यहाँ पर भी अग्निपथ स्कीम को लेकर कई दूसरी तरफ के ओपिनियंस भी हैं जो इस स्कीम को बहुत अच्छा नहीं बता रहे। पहला, इस स्कीम को पहले टेस्ट नहीं किया गया है तो ये फेल भी हो सकती है। दूसरा, ये मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म भी खत्म कर सकती है, जिसमें पहले लोगों को 7 से 8 साल लग जाते थे मिलिट्री में घुसने के लिए। तीसरा, कि कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक लंपसम अमाउंट मिलेगा जिसकी वजह से 4 साल बाद कहीं और नौकरी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? जनता को लगता है कि इस स्कीम को आगे ले जाने के लिए इसके ही जैसे छोटा सा टेस्ट स्कीम ट्राई करना चाहती है। तो ये थी अग्निपथ स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो जाइए मत, जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। अपने ओपिनियंस को वेस्ट मत कीजिए, प्रोवो पर लाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।